हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि फर्मेट लिटिल थ्योरम क्या है और उसे किस तरह से अप्लाई करना है। हमने एग्जांपल्स भी दिए और बाद में हमने ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस भी डाले हैं, आप उनको ट्राई कीजिए। और आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि विल्सन थ्योरम क्या है और इसको एग्जाम्पल्स में किस तरह से यूज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके दो स्टेटमेंट बताऊँगा, आप उन्हें याद रखें। सबसे पहले ये है कि p माइनस वन फैक्टोरियल मोड p इज इक्वल टू p माइनस वन। एक दूसरा स्टेटमेंट और है इसका, वो है, मैं आपको बताऊं, p माइनस टू फैक्टोरियल मोड p इज इक्वल टू वन। यहाँ आप याद रखें कि p एक प्राइम नंबर है मैं फिर से आपको एक बार, ये स्टेटमेंट आपने देख लिए होंगे गौर से, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। p माइनस वन फैक्टोरियल में अगर p से डिवाइड करें तो p माइनस वन आएगा, और p माइनस टू फैक्टोरियल में यदि हम p से डिवाइड करते हैं तो वन आएगा। याद रखने का यह है कि p इसमें प्राइम नंबर है। साथ ही इसके कुछ एक्सटेंशंस हैं विल्सन थ्योरम के, वो मैं इस वीडियो के बाद में दिए हैं, आप वीडियो देखें, बाद में उन्हें भी देखें तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। लेट्स कंसीडर 42 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 43, देन व्हाट इज रिमाइंडर। शेषफल क्या होगा जब 43 से 42 फैक्टोरियल में भाग दिया जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि 43 एक प्राइम नंबर है, इसलिए अकॉर्डिंग टू द विल्सन थ्योरम अवर रिमाइंडर इज 42. You got it? Now we consider another example. मान लीजिए कोई नंबर है 27 फैक्टोरियल और जिसमें हमें 29 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है। तो आप देखेंगे 29 एक प्राइम नंबर है, ओके? देन अकॉर्डिंग टू द विल्सन थ्योरम के अनुसार 27 फैक्टोरियल में 29 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 1। स्टेटमेंट अगर आप चाहें तो फिर से एक बार रिवाइंड करें वीडियो को और देख सकते हैं। और यहाँ अगर 27 की जगह 28 होता, 28 फैक्टोरियल मोर 29, तब हमारा आंसर होता 28। तो आप ये याद रखें, मुझे लगता है आपको ये सब याद होगा। फिर से हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए मान लीजिए कोई नंबर है 21 फैक्टोरियल और उसमें 361 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा ये हमको निकालना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए इस पे। 21 फैक्टोरियल है, तो इसमें जो 21 फैक्टोरियल है इसको हम लिख सकते हैं कैसे, देखिए गौर दीजिए। 21 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 18 फैक्टोरियल मोड 361, और 361 को हम लिख सकते हैं 19 × 19। अब 19 नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह, अंश और हर दोनों में 19 है, इसलिए इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं। बाद में इसका इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरीके से यहाँ हमने इसे कॉमन लिया बाद में इसी तरीके से इसको 19 को बाद में मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है।
अब मैं आपको आगे बताता हूँ, अंदर ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, 21, 20, 18 फैक्टोरियल मोड 19 इज इक्वल टू 19, ब्रैकेट शुरू, 21 मोड 19 इज इक्वल टू 2, इसी तरीके से 20 मोड 19 इज इक्वल टू 1, और 18 फैक्टोरियल मोड 19 इज इक्वल टू 18। यू गॉट इट? नो, मैं फिर से समझाता हूँ, ये 19 लिख देते हैं, फिर मैं समझाता हूँ आपको। ये जो 18 है ये आया है इस 18 फैक्टोरियल से, और आया कैसे, क्योंकि ये 19 एक प्राइम नंबर है। देन अकॉर्डिंग टू द विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम के अनुसार हमें मिलेगा 18। अब आगे देखिए, ये 19 ब्रैकेट से बाहर वाला था, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास अब क्या बचेगा, 2 × 18 इज इक्वल टू 36 मोड 19। ध्यान दें कि 36 मोड 19 इज इक्वल टू 17 और -2, एक ही बात है, या तो 17 लिख देते हैं या -2। -2 से हमारे यहाँ कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, इसलिए मैंने -2 लिखा है। ये आगे भी यूज होगा, आप ध्यान देंगे -2 कैसे आता है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी लिखते हैं 19 × -2 इज इक्वल टू -38, और 19 के हमने नोमिनेटर में मल्टीप्लाई की, इसी तरीके से डिनोमिनेटर में, जो मैंने आपको पहले बताया था। अब अंश और हर दोनों में इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास बचता है -38, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, 361 में -38 जोड़ देंगे, तो आंसर हुआ 323। -2, ये -2 मैं आपको बताता हूं, सॉरी 36 आया था मोड 19 इज इक्वल टू 38 -2 मोड 19, और 38 मोड 19 इज इक्वल टू 0 -2 मोड 19 इज इक्वल टू -2। ओके, -2 और 17 और 36, 19 को ऐड करते जा रहे हैं, इससे इफेक्ट नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन के हिसाब से हम इसे इस तरह से सेट करते हैं कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ओके, अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, ये देखिए आप, 42 फैक्टोरियल मोड 43 इक्वल टू 42 अकॉर्डिंग टू द विल्सन थ्योरम। वहीं अगर ये 42 फैक्टोरियल या 41 फैक्टोरियल होता तो हमारा रिमाइंडर 1 होता। मान लीजिए हमें इसे और फर्दर प्रोसीड करना है, 41 फैक्टोरियल की जगह मान लीजिए हमको निकालना है कि 40 फैक्टोरियल मोड 43 क्या होगा। इस 41 फैक्टोरियल की जगह 40 फैक्टोरियल अगर निकालना हो तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। 41 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, 41 × 40 फैक्टोरियल मोड 43 इज इक्वल टू 1। फोर्टी वन मोड 43 इज इक्वल टू -2, यू नो इट, डॉट 40 फैक्टोरियल मोड 43 इज इक्वल टू 1 और 1 और, आप यहां ध्यान दें, 1 और 44, इसमें हमने 43 जिसका कि हमें डिवाइड करना है उसको हमने ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन ये हो जाएगी, ये जो ऊपर हमने -2 लाए, मैं आपको बता दूं ये 41 मोड 43 के बाद जो -2 आया था वो इसको डिवाइड कर देगा, कितनी बार, -22।
अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचा है? देखिए, 40 फैक्टोरियल मोड 43 इज इक्वल टू -22। मैं -22 लिखता हूँ। अब रिमाइंडर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे? इस 43 को हम इसमें तब तक ऐड करेंगे जब तक कि ये पॉजिटिव नहीं हो जाता, और ये जनरली एक बार में हो जाता है। आप देखिए, +43 इज इक्वल टू 21। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा यही आंसर है, 40 फैक्टोरियल मोड 43 इज इक्वल टू 21। ये हमारा रिमाइंडर है। मान लीजिए हम इसे और फर्दर प्रोसीड करना चाहते हैं, और 40 फैक्टोरियल की जगह हम 39 फैक्टोरियल अगर डिटरमाइन करना चाहें रिमाइंडर, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान दीजिए, इसकी जगह 39 फैक्टोरियल हम अब सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से, ये हम निकाल चुके हैं कि 40 फैक्टोरियल मोड 43 इज इक्वल टू 21। नाउ वी प्रोसीड फर्दर, 40 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे ऐसे, 39 फैक्टोरियल डॉट 40 मोड 43 इज इक्वल टू 21। यू गॉट इट? नेक्स्ट लाइन, 39 फैक्टोरियल मोड 40 को हम लिखेंगे, 40 मोड 43 होता -3, वही हम यहाँ लिखेंगे -3। ओके, मोड 43 इज इक्वल टू 21। ध्यान दीजिए, ये -3 जो है ये 21 को डिवाइड कर देगा, तो हम लिख देते हैं -7। लेफ्ट हैंड साइड में अब क्या बचता है? आप ध्यान दें, 39 फैक्टोरियल मोड 43 इज इक्वल टू -7। और मैं आपको बता चुका हूँ कि रिमाइंडर यानी शेषफल जो है वो नेगेटिव में नहीं लिखते हैं। मैं पिछले वीडियोज में डिवीजन एल्गोरिदम में बता चुका हूँ, इसलिए इसको हम पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव के लिए हम इसमें जिसका कि हमें डिवाइड करना है उसे हम ऐड कर देते हैं, और हमारा आंसर आएगा 36। तो इस तरह से 39 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 43, तो रिमाइंडर 36 आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमने पहले 40 फैक्टोरियल निकाला था, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन सॉल्व इट डायरेक्ट। ध्यान दीजिए, देखिए 39 फैक्टोरियल मोड 43, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचता है? अब हम इसे डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि विल्सन थ्योरम जो मैंने आपको बताई है उस हिसाब से 41 फैक्टोरियल में 43 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर आएगा। अब यहीं से हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। देखिए, 41 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? यू नो, देखिए 41 इंटू 40 इंटू 39 फैक्टोरियल मोड 43 इक्वल टू 1। अब देखिए, 1 की जगह हम और क्या लिख सकते हैं? सोचा है अपने? मैं अभी आपको नेक्स्ट लाइन पर, आप ध्यान देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, 41 मोड 43 इक्वल टू -2, ऐसे ही इसको लिखेंगे -3, और 39 फैक्टोरियल मोड 43 इक्वल टू 1। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 के जगह हम क्या लिखें जो कि -2 और -3 जिसको कि डिवाइड कर दें। हम एक बार 43 इसमें ऐड कर दें तो 44 आएगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। एक बार और अगर हम ऐड कर दें तो 87 आएगा, उसे भी 6 डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 इक्वल टू 6।
हमें ये जो प्रक्रिया है ये तब तक दोहरानी है जब तक कि हमारे पास राइट हैंड साइड में यहाँ एक ऐसा नंबर ना मिल जाए जो -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 यानी कि 6, 6 उसे फुल्ली डिवाइड ना कर दे। तो आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो हमें एक संख्या ऐसी मिलेगी यानी कि 43 को अगर हम 5 बार जोड़ेंगे और इसमें 1 में तो हमें मिलेगा 2.6, और 6 इस 2.17 को फुल्ली डिवाइड कर देगा 36 बार। यू गॉट इट? 36। अब देखिए व्हाट वी आर लेफ्ट विद। देखिए LHS में 39 फैक्टोरियल मोड 43 और RHS में 36। ओके नाउ द क्वेश्चन, हमने ये डायरेक्टली किया 39 फैक्टोरियल। इसी तरह का मैं और एग्जांपल अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप इस पर ध्यान दें कि किस तरीके से हमको ऐड करना है। यहाँ हम अब एक और एग्जांपल देखते हैं, वही डायरेक्टली किस तरीके से करना है। मान लीजिए हमें निकालना है 14 फैक्टोरियल में जब 19 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, क्योंकि विल्सन थ्योरम के अनुसार 17 फैक्टोरियल मोड 19 इज इक्वल टू 1, आपको याद होगा। तो 17 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 17, 16, 15, 14 फैक्टोरियल मोड 19। हम फैक्टोरियल वहां तक करेंगे जो कि हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब इस लाइन को आप गौर से देखें, ये -2, ओके -2 पहले बता चुके हैं, और ये आएगा -3। 15 के लिए -4 लिखेंगे और 14 फैक्टोरियल मोड 19 इक्वल टू 1। अब मैं आपको बताऊं ये है -2 -3 -4 यानी कि -24। अब हमें राइट हैंड साइड में 1 के प्लेस पर 19 को उतनी बार ऐड करके लिखना है 1 में, ताकि जो संख्या हमें मिले उसे 24 डिवाइड कर दें। ये हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी किया था और इसमें भी करना पड़ेगा। देखिए हमें क्या ऐड करना, अगर हम 19 को एक बार ऐड करेंगे तो 20 मिलेगा, और 20 को -24 डिवाइड नहीं कर सकता। फिर से एक बार 19 ऐड कर देते हैं तो 39 मिलता है, और 39 भी डिवाइड नहीं होगा। प्रोसीड फर्दर, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो मैं आपको बताऊं अगर 19 को 5 बार ऐड करेंगे इसमें तो हमें मिलेगा 96, और -24 इसे डिवाइड कर देगा। अब आप देखिए -24 में डिवाइड किया तो -4 मिला हमको, तो हम क्या लिखेंगे, 14 फैक्टोरियल मोड 19 इज इक्वल टू -4, एंड द रिमाइंडर कांट बी नेगेटिव। इसलिए -4 में हम एक बार 19 को ऐड करेंगे जिससे कि हमें आंसर आएगा 15, और यही हमारा आंसर है जो 14 फैक्टोरियल मोड 19 है इज इक्वल टू 15। आई थिंक यू गॉट इट। अब मैं आपको एक और एक्सटेंशन बताता हूँ विल्सन थ्योरम का। अब तक तो फैक्टोरियल के हमने मोड निकाले थे, अगर हमारे पास फैक्टोरियल का स्क्वायर है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए एक्स फैक्टोरियल का स्क्वायर मोड पी इज इक्वल टू, या तो पी -1 होगा या 1 होगा, और पी -1 तब होगा अगर एक्स इवन है, और अगर एक्स ओड है तो ये 1 आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल और साथ में बताता हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, देखिए मान लेते हैं कि हमें डिटरमाइन करना है कि 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर में अगर हम 7 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 4 है, 7 तो प्राइम है, और जो ये 4 है ये 7 प्राइम हुआ, और 4 हमारा इवन है, और 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर है, तो इस तरह से हमारा आंसर होगा पी -1 होता है, यहाँ पी 7 है, तो 7 -1 इज इक्वल टू
सिक्स। आप ऐसे ही और एग्जांपल्स पे ट्राई कर सकते हैं, बाद में मैं अपने ग्रुप में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस डालूंगा जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। और मैं अब आपको और इसका कुछ फर्दर एक्सटेंशन बताऊंगा। यहाँ आप एक बार मैं फिर से बता दूँ, पी माइनस वन या वन होगा अकॉर्डिंग टू इवन और ओड। मैं आपको एक और एक्सटेंशन आपके इस विल्सन थ्योरम के मैं आपको बताता हूँ। पहले हमने जो बताया था वो था पी माइनस वन फैक्टोरियल मोड पी इक्वल टू पी माइनस वन, और पी माइनस टू फैक्टोरियल मोड पी इक्वल टू वन। यहीं अगर पी माइनस थ्री और हो तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। पी माइनस थ्री फैक्टोरियल मोड पी इज इक्वल टू पी माइनस वन बाई टू होता है, याद रखें आप इसको। एक और एक्सटेंशन पी माइनस फोर का फैक्टोरियल मोड पी इज इक्वल टू के होगा या पी माइनस के होगा, और मैं बता देता हूँ के क्या है। के होगा अगर हम पी जो प्राइम है उसको हम सिक्स के माइनस वन की फॉर्म में लिख सकें, और पी माइनस के रिमाइंडर तब आएगा जब हम इसको सिक्स के प्लस वन की फॉर्म में लिख सकें। ये ध्यान देना है आपको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी से याद नहीं होगा। याद कर लीजिए वरना फिर आप डायरेक्ट वैसे निकाल सकते हैं इसको, जैसा कि हम पिछली वीडियो में इसी वीडियो में आपको पहले बता चुका हूँ। और आज के लिए ये एंड हुआ। अगली वीडियो जो हमारी होगी वो होगी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। जल्द हम वापस आएंगे, तब तक अगर कहीं भी इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम हुई है तो रिवाइंड कर लीजिए या आप सीधे मुझसे पूछ सकते हैं। और वही, इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू, आई विल बी बैक सोन।